जा रहे वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान रक्षा के लिए अहम भूमिका देने वाले दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मानित होने वाले कर्मियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यह आयोजन सदर अस्पताल बेगूसराय के सभागार भवन में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए आयोजित सेमिनार के दौरान की गई। कई कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना सहित उनकी हौसला अफजाई की गई। अधिकारियों द्वारा सम्मानित होने वालों में चंदन कुमार राम, राजन कुमार राम, मोहम्मद समी, नरेश मल्लिक, सुनील कुमार, मोहम्मद मंजूर अख्तर, संतोष कुमार एवं भीम मल्लिक सहित अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान जिला यक्ष्मा केंद्र के वरीय उपचार पर्यवेक्षक मोहम्मद कामरान इकबाल ने बताया कि कोरोना महामारी काल में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले लगभग 25 स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रोगियों की सेवा बेहिचक रात दिन कर मदद करता रहा। वैसे लोगों को आज डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा द्वारा सम्मानित की गई। ये जो है कोविड में जो हमारे जितने भी वॉरियर्स काम किए और उत्साहजनक काम किए उसके लिए आज हमारे सुप्रिटेंडेंट सर के द्वारा सबको सम्मानित किया गया, जो जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में इतना अच्छा काम किया और इतना रात दिन बेगर डरे हुए अपने जान को जोखिम में डालते हुए किसी की ना परवाह करते हुए सबकी जान को बचाने में लगे हैं, उसके लिए आज जो है हम लोग को सम्मानित किया गया। लगभग कितने लोगों को? लगभग करीबन है 18 आदमी को सम्मानित किया गया सदर अस्पताल सदर के और विभिन्न तरह से कम टोटल मिला के करीबन 25 आदमी को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान इकबाल है, वरीय उपचार पर्यवेक्षक जिला यक्ष्मा केंद्र बेगूसराय।